हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा है क्रिस्टल्स के बारे में। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। शुरुआत की थी हम लोग ने, बात की थी कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि सॉलिड्स जो है वो उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, एसेंशली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ये हमने ऑब्जर्व की है, मैक्रो लेवल प्रॉपर्टीज़। बट इनके पीछे जो बेस रीजनिंग है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, स्पेसिफिक हीट किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, तो उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है जिससे कि ये चीज़ें अलग अलग हो रही है, इस तरह का कुछ एनालिसिस। कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर से ये स्पेसिफिक हीट टाइप का कंसेप्ट अराइज होता है, ये थर्मल कंडक्टिविटी टाइप का कंसेप्ट अराइज होता है, इस तरह की बात हम लोग स्टडी करना, ये एसेंशली हमारा एम था। हम लोगों ने बोला क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स किस तरह के होते हैं, तो क्रिस्टल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, FCC, BCC वगैरह वगैरह, हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात। उसके बाद फिर हम लोगों ने XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन, इस तरह की बात की थी हम लोगों ने। तो क्रिस्टल में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस हैं, मिलर इंडाइसेस वगैरह की बात हम लोगों ने की है, अलग अलग प्लेन्स होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एक रेसिप्रोकल स्पेस, इस तरह की भी बात हम लोगों ने की है कि रेसिप्रोकल स्पेस में जैसे एक लैटिस का पिक्चर सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, ठीक है, इसमें लैटिस में आयंस है और ये ब्लू कलर के जो मैंने बना रखे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर घूम सकते हैं। तो जब हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो कोई रे आता है, इस क्रिस्टल से टकराता है और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। तो रेसिप्रोकल लैटिस के केस में हमने बात किया था, वहाँ का जो ट्रांसलेशन वेक्टर है जी वेक्टर, वो जो होगा वो डिफरेंस क्रिएट होगा इनकमिंग और आउटगोइंग वेव के वेव वेक्टर में, ऐसे कुछ। खैर वो XRD में बात की थी, ठीक है। सो उससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं कि भाई हमको एसेंशियली हमारा एम है क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, ठीक है। अब क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, क्या मेन फैक्टर होगा वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे मेनली क्रिस्टल की जैसा ये बना हुआ है तो इसमें मेनली दो कंपोनेंट्स है दिख रहा है। तो एक ये जो ब्लू कलर का मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना रखा है, इनका कुछ बिहेवियर होगा, और फिर जो अपनी जगह पर फिक्स्ड है ये जो रेड कलर के, ये एसेंशियली लेटेस्ट पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो ये अपनी जगह पर फिक्स्ड है, एक दूसरे से कुछ फोर्स वगैरह लग रहे होंगे, जैसे हम इस क्रिस्टल को हीट करते हैं तो ये वाइब्रेट करने लगते होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करने लगते होंगे, दोनों मिल के कुछ स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन देते होंगे, ऐसा कुछ रफ आइडिया लग रहा है। तो ऐसी कुछ एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो मेनली इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर और लैटिस पॉइंट्स का बिहेवियर, ये दोनों के बिहेवियर को मिला के हम लोग को कुछ आइडिया लगने वाला है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिलहाल स्टार्ट हम लोग करते हैं कि लैटिस जो पॉइंट्स है उनका बिहेवियर कैसा होगा, कुछ बेसिक बिहेवियर के बारे में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो एसेंशियली हम लोग लैटिस वाइब्रेशंस के बारे में बात करते हैं। लैटिस वाइब्रेशंस मतलब, तो ये जो लैटिस है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे राइट साइड से हथौड़ा मारते हैं तो क्या होगा, तो ये जो आयंस है ये वाइब्रेट करने लगेंगे, अब क्योंकि अपनी जगह से हिल जाएगा तो इस जो बाजू वाला एटम है वो उस पर इंटर एटॉमिक फोर्स लगाएगा, वो वाइब्रेट करेगा, अब ये वाइब्रेट करेगा एंड सो, तो वाइब्रेशन जो है ये ट्रांसमिट होगा इस लैटिस में। तो उसी की एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो सिंपलिसिटी के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वन डायमेंशनल लैटिस उठा लिया, और वन डायमेंशनल लैटिस है, सारे जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो सेम मास के हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस है हमने ए मान लिया, जैसा हम क्यूबिक लैटिस में मानते आ रहे हैं, ठीक। और कोई एक आर्बिट्ररी ओरिजिन पकड़ लो, यूजुअली हम लोग जब भी स्टडी कर रहे होते हैं तो क्रिस्टल को इनफाइनाइट साइज़ का मान के चलते हैं, हालांकि वैसी कोई उसमें जो भी स्टडी होती है वो क्रिस्टल के इंटरनल पार्ट में एटलीस्ट जो बहुत ज़्यादा एज पे जो मॉलिक्यूल्स ना हो उन सब पे वो सारी बातें लागू होती है। तो कोई भी एक आर्बिट्ररी ओरिजिन पकड़ लिया और उसके राइट साइड में जो एटम है, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम एंड सो ऑन, तो वैसे ही किसी एक आर्बिटरी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये nth एटम है, ये n-1th एटम है और ये n+1th एटम है, और क्योंकि ये इधर वाइब्रेट हो रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो है हमने इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप का अप्रॉक्सीमेशन मान लिया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग का कुछ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होगा, उस स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को हमने कह दिया है सी, मटीरियल पर डिपेंड करेगा वो अलग अलग केसेस में, ठीक। सो अब अगर कोई भी एटम हमने nth एटम पकड़ लिया, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, तो इस पे ये वाला जो स्प्रिंग है ये इस पे
प्लस आई कैप डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और ये वाला जो स्प्रिंग है ये मतलब आई कैप डायरेक्शन में कंप्रेशन और एक्सटेंशन पे डिपेंड करने वाला है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये दोनों का फोर्स लगने वाला है। ठीक, तो लेफ्ट स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? तो वो आप बोलोगे कि अगर लेफ्ट स्प्रिंग में जो nth एटम है वो अगर un से राइट साइड में डिस्प्लेस हुआ है और n-1th एटम un-1 से डिस्प्लेस हुआ है, तो स्प्रिंग का जो टोटल एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? तो आप कहोगे un-1 माइनस यू एन, इस तरह का टोटल एक्सटेंशन, टोटल कंप्रेशन होगा इस तरह का। ठीक, तो उसके कारण जो फोर्स होगा उसका कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली जो राइट साइड में स्प्रिंग है उसके कारण जो फोर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो nth एटम पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो इतना लग रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट सी, ऐसा हमने मान लिया है। डिपेंडिंग ऑन मटेरियल वो सी डिपेंड करेगा। ठीक, अब बाय सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स, और फोर्स की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ के हिसाब से डी स्क्वायर यू एन बाई डी टी स्क्वायर इंटू एम मास ऑफ दैट एटम इक्वल्स टू दिस होल थिंग होना चाहिए। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है एन एच पॉइंट, क्या ये कोई स्पेशल पॉइंट है कि कोई भी आर्बिट्ररी एटम के बारे में हम ये बात कर सकते हैं? तो कोई भी आर्बिट्ररी एटम है, आप बोलोगे यू एन ये भी हो सकता है, यू एन ये भी हो सकता है, यू एन ये भी हो सकता है। जो भी एटम है वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, तो ऐसे, और इसके थ्रू वेव पास हो रहा है, तो वेव इक्वेशन हमको पता है वन डायमेंशन में, तो वो चीज़ बहुत सिंपल होती है। तो एसेंशियली जब हम यूएन की बात करते हैं तो एसेंशियली उसका जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका होगा और फिर साथ में ये जो वेव वाला पार्ट है ई रेस टू आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, आपने इक्वेशन देख रखा है ए ई रेस टू आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये के की जगह हम लोगों ने क्यू यूज़ किया है, क्यू क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी जनरल वेव से, तो बाहर जो लाइट वेव हो गया उसको हम लोग, उसके लिए हम लोग के यूज़ करते हैं, यहाँ पे उसकी जगह हम लोग क्यू यूज़ कर रहे हैं इस वाइब्रेशन के लिए जो कि लैटिस के अंदर हो रहा है। ठीक, तो यू एन इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस ई रेस टू आई क्यू इंटू एक्स एन माइनस ओमेगा टी। ठीक, एन एस पार्टिकल का पोजीशन को यूज़ किया हमने। ठीक, और एक्स एन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एनथ एटम। ठीक है, ओके, सो ये वाइब्रेट कर रहा है ये भी। अच्छा, अगर इसका इक्वेशन ऐसे वेव इक्वेशन की तरह होगा तो इसका इक्वेशन भी, क्योंकि ये भी वाइब्रेट कर रहा है n+1th एटम, उसका भी ऐसी स्ट्रक्चर का वाइब्रेशन होगा। ठीक है, अब उसका जो x है वो चेंज हो जाएगा, वो x जो है वो पोजीशन जो है इसका, उसका एक्स एन था अगर इसका पोजीशन, तो इसका पोजीशन एक्स एन प्लस ए इस टाइप का होगा। ठीक, तो वैसे कंसिडरेशंस लेते हुए हम लोगों ने प्लग कर दिया सारा कुछ, प्लग कर दिया और सारा कुछ प्लग करके सॉल्व किया, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरीके से आ गई। और सारा कुछ सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा? ओमेगा इक्वल्स टू √4c/m sin qa/2। ठीक, तो ये क्या चीज़ है, ये ओमेगा क्या चीज़ है, ये क्यू क्या चीज़ है? क्यू के बारे में तो हमने बोला ये के इक्विवेलेंट वही चीज़ है, यानी कि यहाँ से जो वेव जा रहा है इसमें लैटिस के अंदर, उस लैटिस का वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो क्यू 2π/λ के बराबर होगा। ठीक है, और उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, उस वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ इस तरीके से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से आई इन टर्म्स ऑफ के। ठीक, अब आपको ये बात पता होगी, जैसे आपने एक फॉर्मूला देख रखा है वेलोसिटी ऑफ लाइट के केस में या वेलोसिटी ऑफ साउंड के केस में, किसी भी वेव की वेलोसिटी जो होती है वो आपको पता है वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, या फिर अगर हम ओमेगा और के की टर्म्स में बात करना चाहें तो वी इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, ऐसा कुछ आपने देख रखा है। ठीक है, अब वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो है ओमेगा बाय के होना चाहिए, वो होता है, मतलब होता तो है ही है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर मैं ओमेगा बाय के, जो कि यहाँ पे क्यू है, मैं निकालूँ ओमेगा बाय क्यू, तो वो साइन क्यू ए बाय क्यू इस टाइप की कुछ चीज़ आती है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं आ रहा।
कांस्टेंट नहीं आ रहा, डिपेंड कर रहा है क्यू पे या के पे, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए जो है लैटिस में जो वाइब्रेशन होगा, लैटिस में वाइब्रेशन होगा, इसका मतलब क्या है एसेंशियली, ये वाइब्रेशन किस नेचर का है? तो साउंड जो होता है, साउंड भी तो वाइब्रेशन ही होता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन जो होता है साउंड ही तो होता है। तो एसेंशियली हम स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं इन दैट लैटिस। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगा उस लैटिस में एसेंशियली वो डिपेंड करने वाला है उसके के पे, वेव वेक्टर पे, या मोर अप्रोप्रिएटली उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि स्पीड ऑफ साउंड अगर किसी ने कह दिया 330 मीटर्स पर सेकेंड, जैसे साउंड की स्पीड होती है एयर में 330 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या यही स्पीड होगी कि अलग अलग स्पीड होगी? तो एयर में जो भी होता होगा उसकी अलग मैकेनिक्स है। जब हम सॉलिड की बात करते हैं, क्रिस्टल के अंदर की बात करते हैं, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है ये रिलेशन बता रहा है हमको कि ये चीज़ वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं है कि हर वेवलेंथ की स्पीड सेम हो साउंड की स्पीड, ठीक है। और फिर इस चीज़ को प्लॉट किया गया है, ओमेगा वर्सेस के को प्लॉट किया गया है, तो देख रहे हैं कि के की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है तो साइनोसॉइडल रिलेशन ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। और यही चीज़ को हम फेज़ वेलोसिटी बोलते हैं, जो स्पीड ऑफ साउंड है ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। और जब हम ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, ग्रुप वेलोसिटी, तो उसके लिए हमको डी ओमेगा बाई डी क्यू निकालना पड़ता है, और वो फाइंड करेंगे, मतलब हमारे पास ओमेगा का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ क्यू, तो वेव वेलोसिटी, फेज़ वेलोसिटी चाहिए चाहे ग्रुप वेलोसिटी चाहिए, दो चीज़ें हमारे पास है, ठीक। अब इस प्रोसेस में एक चीज़ देखेंगे कि ओमेगा वर्सेस क्यू ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक। तो फॉर लॉन्गर वेवलेंथ लिमिट, जहाँ पे लैम्डा ज़्यादा हो या क्यू की वैल्यू कम हो, क्यू की वैल्यू जहाँ पे कम होगी वहाँ पे साइन क्यू जो है क्यू के बराबर, मतलब साइन क्यू ए बाई टू, क्यू ए बाई टू के बराबर आप मान सकते हैं। और फिर उसमें फिर आपको देखने को मिलेगा ओमेगा इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू के टाइप के रिलेशन आ जाएगा। तो उसको अगर प्रोसेस करेंगे तो एसेंशियली जैसे आप देख रहे हैं साइन क्यू ए बाई टू को बस क्यू ए बाई टू रख दिया तो ओमेगा का ये रिलेशन आ जाएगा। फेज़ वेलोसिटी की बात पूछोगे तो अब वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो जब तक हम लॉन्ग वेवलेंथ की बात कर रहे हैं या लोअर एनर्जी वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है लगभग लगभग कांस्टेंट होता है, और हायर फ्रीक्वेंसीज में वो चीज़ बिगड़ जाती है, ठीक है। ये जो नोट्स है, ये जो नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन से है, तो इसका मैं लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, ठीक है। फेज वेलोसिटी मिल गया, ग्रुप वेलोसिटी की भी बात करोगे तो डी ओमेगा बाई डी के, ये भी जो आएगा डी ओमेगा बाई डी क्यू, वो भी यही कांस्टेंट, यानी कि फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी फॉर लोअर, फॉर सॉरी लॉन्गर वेवलेंथ्स, फॉर लोअर फ्रीक्वेंसीज, लॉन्गर वेवलेंथ्स और लोअर फ्रीक्वेंसीज, ये जो है ठीक, मतलब कांस्टेंट ही रहेगी लगभग लगभग, सिर्फ हायर फ्रीक्वेंसीज में ये चीज़ बिगड़ेगी। ओके, पर अगर ये जो हमने अभी एनालिसिस की है इसमें सारे जो एटम्स लैटिस पॉइंट्स के मासेस थे आइडेंटिकल, हमने पार्टिकल्स मान रखा है सेम मासेस मानते हुए हमने सारा कुछ सॉल्व किया, और अगर ऐसा ना हुआ, जैसे NaCl का केस है, NaCl में क्या होता है, सोडियम का मास अलग होता है, क्लोरीन का मास अलग होता है, और वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करके लैटिस में बने हुए, तो वही वन डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग M1 M2 दो अलग अलग मासेस के लिए मान के करते हैं। तो फिर बहुत सारी वही छोटी मोटी मैथमेटिक्स हैं। अब क्योंकि दो अलग अलग टाइप के आइटम्स हैं, दो अलग अलग मास के, ठीक, तो हम लोग को इसके लिए अलग एनालिसिस करना पड़ेगा, इसके लिए अलग एनालिसिस करना पड़ेगा। और एसेंशियली क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े हो, कुछ स्केलर इक्वेशन वगैरह बनाते हैं, आइगन वेक्टर्स वगैरह टाइप को सॉल्व करते हैं और उसके हिसाब से पता लगाते हैं। तो उसको सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू सी दिस होल थिंग प्लस माइनस दिस होल थिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन आया कंपेयर्ड टू जो मोनोटॉमिक रिलेशन था, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। और M1 और M2 को अगर आप यहाँ पे इक्वल पुट कर दोगे तो एसेंशियली ये वापस उसमें रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। सो ये आपके पास रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं प्लस माइनस, तो माइनस वाला केस भी होगा, प्लस वाला केस भी होगा। तो जो जब आप
प्लस वाले केस को प्लॉट करते हैं। आपने माना कि भाई ये माइनस, यहाँ पे प्लस वाला केस लिया और फिर ओमेगा वर्सेस क्यू प्लॉट किया, तो आपको ये वाला ग्राफ ऐसे मिलता है। और जो माइनस वाला सिचुएशन लेते हैं, तो जैसा पिछले बार दिख रहा था थोड़ा थोड़ा वैसा ही पैटर्न, एग्जैक्टली वैसा नहीं, पैटर्न थोड़ा थोड़ा वैसा ही पैटर्न आपको दिखता है। तो ये जो प्लस वाला पार्ट होता है उसको हम ऑप्टिकल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस कह देते हैं, और जो माइनस वाला हिस्सा होता है उसको हम अकोस्टिक मोड ऑफ वाइब्रेशंस कह देते हैं। क्यों कह देते हैं तो देखते हैं। अच्छा, एक और बात देखने की है, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में क्या चीज़ है? वर्टिकल एक्सिस में ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा है यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में, या उसका उस ओमेगा इनटू समथिंग उसने मल्टीप्लाई कर दिया, वो फाइन है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ऑप्टिकल और अकोस्टिक के बीच में कुछ एक गैप है। तो यहाँ पे जो ओमेगाज है वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। जो ओमेगा, जो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है वाइब्रेशंस की इन द लैटिस, वो कुछ इस रेंज में होगा ऑप्टिकल का, जो भी हाईएस्ट लिमिट होगा वहाँ से यहाँ तक और यहाँ से 0 तक, ठीक। तो ये एक पिक्यूलियर चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है मैथमेटिकली सॉल्व करके डायटोमिक 1D लैटिस में, और ओमेगा की वैल्यू कुछ इस तरीके से है, ठीक है। सो अकोस्टिक मोड में और ऑप्टिकल मोड में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि अकोस्टिक मोड में जो होता है, जो ये जो वाइब्रेशंस है वो एक साथ होते हैं, तो जो ये दोनों मासेस हैं ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं एक टाइम पे, और दूसरे डायरेक्शन में एक डायरेक्शन वापस आ रहा है, जबकि ऑप्टिकल मोड में यही अपोजिट फेजेस में होते हैं। M1 और M2 जो अलग अलग मासेस हैं अपोजिट फेज में आपको देखने को मिल जाएंगे, या एसेंशियली एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है ऑप्टिकल मोड में वो अपनी जगह से नहीं हिलता, ठीक है। तो ऑप्टिकल मोड, अकोस्टिक मोड, ओके। और ये भी बात है कि ऑप्टिकल मोड में ये आप देख रहे हैं फॉर के इक्वल्स टू 0 जो है नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी मिलती है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन जो है ये एसेंशियली हमको बता रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अगर आपको फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकालना है तो आप ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय क्यू यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, और वो एसेंशियली लीनियर रिलेशन जैसा पिछले बार भी नहीं था कि फेज वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, वैसे यहाँ पे भी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डी ओमेगा बाय डी के, सिमिलरली अकोस्टिक मोड की अगर बात करेंगे तो डी ओमेगा बाय डी के लगभग लगभग जो है कांस्टेंट है इस रीजन में, तो जो कि लॉन्ग वेवलेंथ रीजन है अकोस्टिक मोड की अगर बात करें। तो ऑप्टिकल मोड में भी वो, खैर वो वेलोसिटी लगभग लगभग 0 है, तो उसका जो मीनिंग है ऑप्टिकल मोड के लिए, पर तो ये सारी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। अब यही एनालिसिस जो 1D में किया है हम लोगों ने, तो जैसे ये 1D मेश है, ठीक है, अगर यही मेश 3D में हो तो यहाँ पे भी एक एटम है स्प्रिंग से जुड़ा हुआ, यहाँ से भी वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, और एक जो वायर फ्रेम होता है क्यूबिकल वायर फ्रेम, उस टाइप का सिचुएशन है, सारे स्प्रिंग से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उस केस में जो वाइब्रेशंस ट्रांसमिट होंगे वो कैसे होंगे, तो वो स्टडी जो होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसके बारे में मैं कवर नहीं कर रहा हालांकि, और उसका एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट्स वगैरह में पढ़ना होगा आप पढ़ लीजिए, तो वो इतना सिंपल नहीं होता, और उसकी ज़रूरत हमारी स्टडीज़ में, अब हम लोग तो, हम लोग को जो क्रिस्टल स्टडी करना है, मेटेलिक क्रिस्टल स्टडी करना है, वो 3D है, तो उसमें 1D वाला सिचुएशन तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं, बट फॉर द मोस्ट पार्ट ये सारा कुछ वैलिड होता है, खासकर अगर हम लोग तीनों डायरेक्शन में यही एनालिसिस को, जो 1 डायरेक्शन में हुआ है इसको हम तीनों डायरेक्शन में चला लें, तो कुछ केसेस में हमारा काम बन जाता है, कुछ केसेस में बात बिगड़ सकती है, वो बात आपका इमेजिनेशन वो सही है।
अच्छा जब लाइट की बात थी, लाइट की शुरू में हम लोगों ने नहीं, मतलब अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में और फिजिक्स की डिस्कवरी के प्रोसेस में जब लाइट्स लाइट की बात हुई थी, तो लाइट को एक वेव कहा गया। वेव कहा गया मतलब एसेंशियली मैटर से वो कुछ डिफरेंट है। वेव और लाइट वेव कहा नहीं गया, वो तो बहुत लेट में डिस्कवर हुआ कि लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और वेव्स और मैटर को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, बट विथ टाइम जैसे क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह की बात हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हुई, तो ड्यूअल नेचर वगैरह वाली बात हुई, बोला कि भाई लाइट जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, असल में वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, और उसका जो पार्टिकल इक्विवेलेंट है, तो वैसा कुछ हमने बात वहाँ पे हम जब हुई तो उसके बारे में कुछ बातें पता लगी कि उसको नाम दे दिया गया फोटोन, और उसकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। तो अगर ओमेगा फ्रीक्वेंसी का लाइट वेव है, तो उसकी मिनिमम एनर्जी एच कट ओमेगा के बराबर हो सकती है, और वो क्वांटाइज्ड होता है, तो एक वेव पैकेट जो होगा वो आपको एच कट ओमेगा का मिलेगा, दो चाहिए 2H कट ओमेगा एंड सो ऑन, मतलब क्वांटाइज्ड एनर्जीज होती हैं। कुछ इस तरह की बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अलग अलग मॉडर्न फिजिक्स के एनालिसिस से हमको पता लगा। तो ऐसे ही कुछ जब लैटिस वाइब्रेशंस की बात थी, तो लैटिस वाइब्रेशन में भी ऐसा हाइपोथेसाइज किया गया था कि ऐसा कोई पार्टिकल होगा फोनॉन्स टाइप का, जो इस वाइब्रेशन के करिस्पॉन्डिंग होगा जो लैटिस के अंदर हो रहे हैं। तो ऐसा हाइपोथेटिकली इमेजिन किया था, मे बी ऐसा कोई पार्टिकल मिल जाएगा, और ऐसा कोई पार्टिकल मिला नहीं, ऐसा कोई पार्टिकल होता नहीं। बट मैथमेटिकली मान के चलना कि ऐसा कोई पार्टिकल होता है, और वो ये चीज़ यूज़फुल है। असल में पार्टिकल नहीं होता, बट फोटॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टी फोनॉन्स पे लागू होती है। ठीक है, कैसे लागू होती है? तो फोनॉन्स एसेंशियली क्या चीज़ है? फोनॉन्स जो है, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है थ्रू ऑसिलेशंस, हार्मोनिक ऑसिलेशंस। क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि क्वांटम मैकेनिकली जो अलाउड एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा कुछ इस तरीके से होते हैं। तो एसेंशियली यहाँ पे भी आपको क्वांटाइजेशन दिख रहा है कि अगर कोई एटम वाइब्रेट हो रहा है, तो वो n=1, n=2, n=3 एंड सो ऑन, इस तरीके से वाइब्रेशंस जो होंगे उसके अलग अलग एनर्जीज हो सकती है। एसेंशियली दो एनर्जी स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 1H कट ओमेगा का मिनिमम होना चाहिए। ये 1H कट ओमेगा कहाँ से आ रहा है? पड़ोस वाले एटम से आ रहा है। वो वाइब्रेट कर रहा था, उसने अपने वाइब्रेशन को कम करके इसको एनर्जी दे दी। ठीक, तो एसेंशियली उसमें जो वाइब्रेशन कम हो सकता है, जो एनर्जी उसकी कम हो सकती है, मिनिमम 1H कट ओमेगा से कम हो सकती है। इसकी एनर्जी मिनिमम 1H कट ओमेगा से बढ़ सकती है। तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, जो हमने हाइपोथेटिकल पार्टिकल कह दिया फोनॉन, तो उस फोनॉन की एनर्जी भी मिनिमम एच कट ओमेगा टाइप की ही होगी। तो जो फोटॉन्स में कंसेप्ट लागू था, कंसेप्ट था क्वांटाइजेशन का, वो चीज़ यहाँ पे भी वैलिड है। कई प्रॉपर्टीज़ फोटॉन्स की जो है वो यहाँ पे वैलिड रहती है। तो उस तरह की बात यहाँ पे की गई है, हार्मोनिक ऑसिलेटर से उस चीज़ को जस्टिफाई किया गया। अच्छा, अब जैसे लैटिस की हम लोगों ने बात की थी, ये लैटिस है। ठीक है, हमने एक्सरे डिफ्रेक्शन की जब बात की थी, ब्रैक्स डिफ्रेक्शन की, तो उसमें क्या होता था? उसमें यहाँ से लाइट आती थी, टकराती थी, और उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर चली आती थी, उसको हम डिटेक्ट करते थे। और एसेंशियली हम मान के चलते थे कि यहाँ पे अगर जो लाइट आ रही है, उसी वेवलेंथ की लाइट, उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ से निकल जाएगी, यानी कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा लाइट में। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते थे। और जो चेंज आएगा के में, वो ट्रांसलेशन वेक्टर के बराबर होगा, k+k′=g, ऐसा कुछ हम इक्वेशन वहाँ पे यूज़ करते थे। ठीक है, ब्रैक्स डिफ्रेक्शन में, बट हमेशा, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा अजम्पशन था कि एनर्जी कंजर्व्ड है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी कंजर्व्ड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्कैटरिंग हमेशा इलास्टिक हो। ठीक है, स्कैटरिंग इन इलास्टिक भी हो सकती है। तो यहाँ से एक फोटोन आया रेड कलर का, रेड कलर का नहीं, यहाँ से एक फोटोन आया ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का फोटोन आया, इससे टकराया, हो सकता है इसको कुछ एनर्जी दे दिया और फिर कम एनर्जी के साथ किसी डायरेक्शन में चला गया, तो ग्रीन कलर का बन गया। ब्लू आया था, ग्रीन चला गया, ऐसा कुछ पॉसिबल है। और बाकी जो एनर्जी है वो इस लैटिस में दे देगा। अब इस लैटिस में जो एनर्जी गई वो एसेंशियली इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन गई होगी, लैटिस वाइब्रेशन के टर्म्स में। ठीक
इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन में भी जा सकती है, वो बात अलग है, बस लैटिस वाइब्रेशन के टर्म्स में गई है, ऐसा कुछ हमने मान लिया। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो फोनॉन प्रोड्यूस हुआ है इस इंटरेक्शन में, यहाँ पे लैटिस वाइब्रेशन का, उस फोनॉन के जो वेव वेक्टर होगा वो भी इस इक्वेशन में आ जाएगा जो यहाँ पे लिख रहे थे। अब यहाँ पे फोनॉन का भी के आ जाएगा, तो एसेंशियली जो नया इक्वेशन बनेगा इनलास्टिक स्कैटरिंग में वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और फिर जब हम इनलास्टिक स्कैटरिंग की एनालिसिस करेंगे तो हमको इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करनी पड़ेगी, हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है, आप टेंशन मतलब उसकी। बट ये सारी चीज़ें फोनॉन के कंसेप्ट में ऐसा कुछ सोच पाते हैं। अगर फोनॉन का कंसेप्ट नहीं होता तो फिर हम कहते हैं कि भाई एक फोनॉन, क्योंकि सिंगल इंट्रैक्शन है, हम यहाँ पे एक ऐसे बात कह पा रहे हैं कि इस इंट्रैक्शन में जो प्रोड्यूस हुआ है एक फोनॉन प्रोड्यूस हुआ होगा, और इनके एनर्जी में जो डिफरेंस है के प्राइम और जी, इनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के बराबर, ये जो उस डिफरेंस के बराबर ही वेव वेक्टर का फोनॉन प्रोड्यूस होगा। तो एसेंशियली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इंट्रैक्शन कि यहाँ से हमने रेड दिया, इधर से सॉरी यहाँ से ब्लू दिया, यहाँ से ग्रीन निकला, और डायरेक्शन जो है किस डायरेक्शन में स्प्लिट हुआ उससे हमको जी पता लग गया। तो इन तीनों के इंफॉर्मेशन से हम पता लगा सकते हैं कि फोनॉन जो है किधर गया होगा और किस वेवलेंथ का फोनॉन इसमें गया होगा, ठीक। तो ये एनालिसिस हम लोग इस टॉपिक में, इस स्टडी में कर पा रहे हैं। मेन बात क्या नोट करने की है कि समरी अगर देखें तो वन डे लैटिस लिया हमने, हर एटम वाइब्रेट होता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, ठीक है, वाइब्रेशन हो रहा है, हर कोई वाइब्रेट करेगा, हर कोई इक्वल फुटिंग पे। सेकेंड लॉ लगाया, उससे हम लोगों ने पता लगाया कि ओमेगा जो है वो वेव वेक्टर से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उसका साइनसॉइडल रिलेशन इस टाइप का कुछ हमको देखने को मिल रहा है। और साइनसॉइडल रिलेशन से देखेंगे कि जो फेज़ वेलोसिटी है ओमेगा बाई के वो कॉन्स्टेंट नहीं होती, तो अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए जो है फ्रीक्वेंसी सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड ये अलग अलग हो सकता है, सेम होगा। ऐसा नहीं है कि आयरन का जो बार है उसमें यहाँ से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमेशा सेम होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए वो अलग अलग हो सकती है, कुछ ऐसा रिलेशन हमारे पास आइडियल केस में आ गया है। यही काम हम लोगों ने किया, अब यहाँ से जो भी है एनालिसिस की, यही काम हम लोगों ने किया डायटोमिक के केस में। डायटोमिक के केस में क्या हम लोग को देखने को मिला कि एक ऑप्टिकल मोड टाइप की एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, ऑप्टिकल मोड टाइप की एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है। और वो ऑप्टिकल मोड के बारे में क्या बोला गया कि ऑप्टिकल मोड एसेंशियली कुछ अकूस्टिक मोड जो यूजुअल मोड था उससे ऐसे डिफरेंट है कि उसके जो दोनों एटम्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसको ऑप्टिकल मोड कहने का भी कुछ रीज़न है, क्या रीज़न है, तो ट्रांसवर्स में वो मेनली दिखाई देता है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होता है, लाइट आई क्रिस्टल से टकराई, इधर चला गया, एक जो फोटोन बना जिसकी हम बात कर रहे हैं इनलास्टिक स्कैटरिंग के कारण, तो वो जो फोटोन होता है वो एसेंशियली ऑप्टिकल मोड का ही फोटोन होता है वो यूज। और क्यों होता है उसके पीछे भी रीजनिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यूजुअली, जैसे हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो डायटोमिक केस में एक Na हो गया, एक Cl हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा वो इस पे जो इफेक्ट करेगा और इस पे जो इफेक्ट करेगा अपोजिट इफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आगे जाएगा तो वो पीछे जाएगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के को एनालॉजी लेते हुए हम इन मोड्स को ऑप्टिकल मोड्स कह दिया गया है। ये मोड्स के बारे में देखा गया है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करती है। फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एसेंशियली फॉर्मूला यूज़ करके आप इजीली निकाल सकते हैं, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है, प्लस के लिए ऑप्टिकल, माइनस के लिए अकूस्टिक, ठीक है। तो ये समरी है। 3D में एनालिसिस थोड़ा अजीब गरीब होता है, आप लोग देख लीजिए। और फिर फोनॉन्स की बात की, फोनॉन्स तो जो क्वांटा है वाइब्रेशन का, उसको जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन का क्वांटा जो होता है उसको फोटोन बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन जो लैटिस में है उसके क्वांटा को हम फोनॉन बोल रहे हैं। उसके बारे में बोला वही एच कट ओमेगा वाली रिस्ट्रिक्शन इसमें भी है, क्वांटाइजेशन वाली बात, ठीक है। और फिर कहा कि इनलास्टिक स्कैटरिंग में वो चीज़ वो क्वांटाइजेशन वाली बात जो है काम आती है, ओके, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो वाइब्रेशंस के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वाइब्रेशंस के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एसेंशियली
वाइब्रेशन का मतलब क्या है। तो हमने क्या किया, हमने इस क्रिस्टल को हीट कर दिया। हीट कर दिया तो क्या होगा कि ये अपनी जगह से वाइब्रेट करने लगेगा, ये वाइब्रेट करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागने लगेंगे। तो दोनों मिला के जो हीटिंग का इफ़ेक्ट है वो इन दोनों को मिला के होना है। अब अगर ये वाइब्रेशन जो है, ये वाइब्रेशन उतना ज़्यादा, खैर उसके बारे में हम लोग स्पेसिफिक हीट की जब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एसेंशली हीट कैपेसिटी का एनालिसिस, कंडक्टिविटी का एनालिसिस हमको करना है। तो ये जो वाइब्रेशंस है, लैटिस के वाइब्रेशंस, उसका कुछ इम्पोर्टेंस है, और उसके लिए हम लोगों ने लैटिस वाइब्रेशंस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, बेसिक मैथमेटिक्स पे भी कुछ काम किया। ठीक है, तो बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा हीट कैपेसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी इन लैटिस।